कान्हा के प्रेम में जो पड़ा उन्हीं का होकर रह गया। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर उनसे ब्याह रचा लिया। इसी कड़ी में मथुरा की एक बेटी ने कान्हा से ब्याह रचाया। इस अनोखे विवाह के सभी परिचित स्वजन और रिश्तेदार साक्षी बने। बारात आई, द्वारचार हुआ और फिर युवती और कान्हा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। दरअसल मथुरा के गोवर्धन रोड स्थित हंसराज कॉलोनी निवासी गुंजन भारद्वाज साध्वी हैं। गुंजन ने बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। घर वालों का कहना है कि गुंजन बचपन से ही कान्हा की भक्ति में लीन रहती थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद तो वह पूरा समय कान्हा की सेवा में देने लगी, जिसके बाद आज गुंजन ने श्री कृष्ण से विवाह किया है। बता दें सतभुज शादी में करीब 300 बारातियों और जनातियों के भोजन का प्रबंध किया गया, साथ ही बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विवाह भी संपन्न कराया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि गुंजन के प्रभु श्री राम से विवाह करने के इस फैसले पर उनके परिवार और भाई का क्या कहना है। इसका कोई खास तो रीजन है नहीं, ये हर किसी के अपने मन पे डिपेंड करता है। तो हमारे मन में इच्छा प्रकट हुई कि संसार को छोड़ करके भगवान की भक्ति में जाया जाए, तो इसीलिए हमने भगवान से श्री कृष्ण से शादी रचाने का संकल्प ले लिया। हर किसी लड़की का सपना होता है कि लाइफ पार्टनर हो, जीवन उनके साथ गुजारे, परिवार आगे चले। भगवान के साथ में पूरा कब भगवान से भक्ति जुड़ी, क्या भगवान ने ऐसा कुछ स्वप्न दिया कि मुझे आपके साथ रहना है? देखिए वैसे तो हम बचपन से ही भगवान की भक्ति में जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा तो इनसे हमारा अत्यधिक लगाव प्रेम जब से हो गया, तब से हमने अपने आप को इस संसार से थोड़ा अलग करना आरंभ कर दिया। जब हम छोटे थे तब से ही पूजा पाठ में हमारा बहुत ध्यान था, भक्ति की ओर बहुत ज्यादा आकर्षक थे, लेकिन तब से होश संभाला है, तब से केवल भगवान से हमने शादी करने का संकल्प ले लिया। केवल यही सपना देखा है कि हमें पति रूप में श्री कन्हैया ही कृष्ण ही मिले। जी हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। मान लीजिए आज एक आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, हमें इस चीज का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि आज हमारी शादी किसी लड़के से नहीं। मैं ये सुन के आया था दूल्हा दुल्हन की तो बहुत शादी हुई, मैंने देखा कान्हा जी की शादी होने वाली है यहाँ पे आज, तो पंडित जी के घर में शादी थी, आज शादी का प्रोग्राम था तो मैं ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी थी, जनता जनार्दन बहुत लोग आए थे दूर दूर से देखने के लिए, कोई बल्लभगढ़ से आया, कोई पलवल से आया। तो यही मतलब कार्यक्रम देखने थोड़ा मैं भी चला आया कि मैं देखूं कान्हा जी की शादी कैसे होती है। तो यहाँ पे देखा तो बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद की अनुभूति हुई। किस तरीके से आपने देखा, क्या अलग दिखा यहाँ पर? अलग ये देखा मतलब कि कान्हा जी जो भगवान का प्रतिरूप है, जो हमारे हैं, जो उनसे मतलब एक इंसान के रूप में जो शादी होती है तो किस तरीके से होती है, तो लोग भी आ रहे हैं यहाँ से दूर दूर से, तो इस तरीके से हम देखने चले आए। पहली बार देखिए? जी जी पहली बार देखिए, बिल्कुल पहली बार देखने को मिला, तभी तो इतनी दूर से आए, एक्साइटेड हो गए। मैंने सुना था कहा कि मैं कान्हा जी की शादी हो रही है, तो इसलिए मैं कान्हा जी की शादी में देखने के लिए आई हूँ। बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत आनंद आया है, और मैं कन्यादान करने के आई हूँ। साड़ी और 101 रुपए लाई हूँ कन्यादान के लिए। राधे राधे। देखा शादी में आप शामिल हुई, कैसा लगा? बहुत आनंद आया, वरमाला डरी थी और बहुत लोगों की भीड़ हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। पहली बार देखी है मैंने तो बहुत अच्छा। पहली बार कान्हा जी शादी कर रहे हैं, भगवान के संग शादी? हाँ, राधा जी और कान्हा जी शादी आ रही है। सबसे बड़ी भक्ति की जीत, प्रेम की जीत। हमारी छोटी जो बहन है, सबसे छोटी बहन है ये हमारी, इसका नाम गुंजन भारद्वाज है, हमारा नाम कृष्ण मुरारी शर्मा और कृष्णा पंडित है। बचपन से ही इसने एक सपना देखा कि मुझे इस संसार में घर गृहस्थी जो प्रचलन है, जिस प्रकार से एक सामाजिक दायित्व है, उसकी पूर्ति न करते हुए मैं घर गृहस्थी नहीं बसाऊंगी, मैं तो केवल कृष्ण के प्रेम में अपने आप को पूरे जीवन को न्योछावर करना चाहती हूँ, मैं केवल कृष्ण को अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ, मेरा और कोई सपना नहीं है। कई साल तक इस चीज पर वैसे बहस होती रही, परंतु अंतिम जीत उसकी भक्ति की और प्रेम की हुई। आज बड़े प्रफुल्लित हैं हम कि कृष्ण के रूप में अपने बहनोई को पाकर के, कि कृष्ण के साथ में हमारी बहन की शादी हो रही है, इससे बड़ी खुशी हमको संसार में और कोई दौलत नहीं दे सकती। बस यही कहना चाहते हैं हम।
कृष्ण के चरणों में हमारी बहन का जो जीवन अर्पित हुआ है कन्हैया, उनकी मतलब जो है कि जन्म जन्मांतर की तपस्या को सफल करें, क्योंकि हर कोई लड़की अपने जीवन में कुछ न कुछ एक अलग सिस्टम चाहती, एक सिंपल रूप में, परंतु इसने कुछ अलग हटके सोचा। कुछ समाज में विरोध भी हुआ, परंतु उसने किसी विरोध को जगह न देते हुए और अपने आप को एक अलग रूप में स्थापित करने की ठानी और उसने आज वो कर दिखाया। देखो, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हमारे पिताजी करते हैं, मैं भी श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ। ज्योतिषकार पंडिताई का हमारे यहाँ काम है, बचपन से ही करीब 5-6 वर्ष के से ही इसकी लगन कृष्ण भगवान की भक्ति की तरफ थी। कई शादियों जब इससे शादी की गई कि तुम शादी मतलब जो है कि तुम्हारे लिए लड़का देखें, तो शादी मतलब जो है करनी है तुम्हारी, तो इसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं संसार का ये जो दायित्व तो है और मतलब जो है जीव को उत्पार्जन करके वंश को आगे बढ़ाना, मैं इस प्रक्रिया से नहीं गुजरूंगी, मैं कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करूंगी। तो जैसा इसने अपने हृदय में चाहा उसको अपना लिया। हम तो यही मानते हैं कि कृष्ण की, कन्हैया जी की अपूर्व कृपा, जो जैसे मीरा पे हुई, जैसे मतलब जो है और महान भक्तों पे, हम तो कुछ नहीं है, हम तो बहुत छोटे मोटे हैं, परंतु कृष्ण की कृपा अवश्य हुई है कि जो साक्षात कन्हैया बिहारी जी हमारे दरवाजे पर मेहमान बन करके, एक जीजा बन करके हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।